इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने के बाद इसका असर खरगोन जिले में भी देखने को मिल रहा है। गेट खोलने के बाद खरगोन जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए खरगोन जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डार द्वारा पूरे नर्मदा पट्टी इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया है। वहीं जिले के बड़वाह, महेश्वर, मंडलेश्वर सहित कसरावत के नर्मदा तटों पर अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए हैं। नर्मदा नदी के उफान के चलते खरगोन जिले में स्थित खलघाट का पुराना पुल डूबने की कगार पर है। वहीं बड़वा स्थित नर्मदा घाट पर मंदिर तक पानी पहुंच गया है। कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट का कहना है कि ओमकारेश्वर डैम से 10,000 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद खरगोन जिले स्थित नर्मदा नदी किनारे बसे शहरों और गाँवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। तो बैक वाटर को लेकर किस तरह से अलर्ट किया गया पूरे क्षेत्र? नहीं, हमारे यहाँ बैक वाटर की समस्या नहीं है, लेकिन अभी ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट से 10,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया। 2,000 क्यूबिक मीटर पानी ऑलरेडी चल रहा था और लगभग 12,000 क्यूबिक मीटर पानी एकाएक बहुत बड़ी मात्रा है पानी की जो आना चालू हो गई है। हमने कसरावत, महेश्वर, बड़वा और सनावत चारों जगह हाई अलर्ट कर दिया। उसके नर्मदा के किनारों पर रहने वाले सभी जनता को मैसेज कर दिया है, गांवों में सूचनाएं दे दी है कि नर्मदा की तरफ न जाए कोई भी, और नर्मदा किनारे पर बसने वाले तो थोड़ा ऊंचाई पर चले जाए। अभी की स्थिति देखते हुए यह है कि हमें 2-3 मीटर पानी अभी तक और आता है, तब तक अभी कोई समस्या नहीं, और इस पानी के छोड़ने के बाद ऐसा संभावना है कि 1-1.5 मीटर पानी और बढ़ेगा।